वैसे तो पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है, लेकिन खास तौर पर उत्तर प्रदेश इस साल सर्दी से परेशान है। बता दें कि लखनऊ में शुक्रवार सुबह कड़ाके की ठंड के बीच बारिश भी हुई। अब आगे अंदेशा जताया जा रहा है कि 2 दिन की राहत के बाद यूपी में अब तक की सबसे कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसी सिलसिले में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। चेतावनी की बात है कि इस दौरान कई शहरों में तापमान माइनस में भी जाने की संभावना है। 14 से 19 जनवरी के बीच भारी ठंड का अलर्ट है। गुरुवार को प्रदेश में गोरखपुर 3.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया। इतनी ठंड के बीच कानपुर में हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी है। बता दें कि बीते 24 घंटे में कार्डियोलॉजी में गंभीर हालत में भर्ती 2 हृदय रोगियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही 3 रोगियों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी में गंभीर हालत में आए 39 रोगियों को भर्ती किया गया है। गुरुवार को देर शाम तक कार्डियोलॉजी में इमरजेंसी में कुल 135 और ओपीडी में 570 रोगियों को निगरानी में रखा गया है। वहीं ब्रेन अटैक के 8 रोगी हैलट में गंभीर हालत में भर्ती किए गए हैं। कानपुर के सीएसई यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया, यूपी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से भारी ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। 19 जनवरी तक यूपी में कई जिलों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, घना कोहरा भी छाएगा। वहीं 16 से 18 जनवरी के बीच शीतलहर अपने चरम पर होगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में अगले 2 दिन के लिए हल्की बारिश के आसार जताए हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी यूपी यानी गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इसके आसपास के इलाकों में भी 2 दिन में बारिश का असर ज्यादा दिखाई देगा। ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है और आगे भी इसी दौरान दर्ज किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।